प्रदेश के हर छोटे बड़े मुद्दों को देंगे प्राथमिकता। गरीब, पीड़ित, वंचित, शोषितों की उठाएंगे आवाज। गांव हो या शहर, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं न्यूज राजस्थान 24, हमेशा आपके हित में। जोधपुर के बोरानाड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार तड़के एक फैक्ट्री की दीवार ढह गई। दीवार के मलबे में करीब 13 श्रमिक दब गए, जिनमें से 3 श्रमिकों की मौत हो गई। अन्य श्रमिकों को मलबे से निकालकर MTM हॉस्पिटल भिजवाया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। 2 श्रमिकों के शवों को एम्स हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया गया है। 1 श्रमिक का शव MDM की मोर्चरी में रखवाया गया है। बताया जा रहा है कि सभी मजदूर कोटा और मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। जानकारी के अनुसार रविवार रात से जोधपुर में बारिश का दौर चल रहा है। ऐसे में बोरानाड़ा थाना क्षेत्र के सालावास रोड पर महालक्ष्मी टिब्बर नाम से संचालित होने वाली एक फैक्ट्री की दीवार सुबह 4 बजे अचानक से ढह गई। दीवार के पास दूसरी फैक्ट्री के श्रमिक खड़े थे। इनमें से 13 श्रमिक मलबे के नीचे दब गए। हादसे की सूचना मिलने के बाद पुलिस और अन्य लोग भी मदद के लिए मौके पर पहुंच गए और श्रमिकों को मलबे से बाहर निकाला गया। इस दर्दनाक हादसे में 3 श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। अन्य घायल श्रमिकों का एम्स हॉस्पिटल में उपचार चल रहा है। इनमें से 1 श्रमिक की हालत गंभीर बनी हुई है। DCP राजेश यादव ने बताया कि दीवार ढहने से कोटा व प्रतापगढ़ के रहने वाले नंदू, सुनीता व मंजू की मौत हो गई है। तो वहीं हादसे में पांचूराम, संजय मांगी, पवन, शांति, दिनेश व हरिराम घायल हैं। ये श्रमिक राजस्थान व मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं।